हेलो व्यूअर्स, AFMC BSc ऑनर्स नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है 17 फेब 2021 में। ये नर्सिंग कोर्स ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो कि एक 4 ईयर स्पैन का BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स है। ये जो नोटिस है ये AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। नीचे दिए गए कॉलम में टेंटेटिव डेट्स बताई हुई हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट की। फॉर एग्जांपल पुणे में 40 सीट्स अवेलेबल हैं, रिजर्व्ड है 40 सीट्स पुणे के लिए। अगस्त में इसका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होगा। कोलकाता में 30 सितंबर और अक्टूबर का टेंटेटिव रिज़ल्ट डेट है। सिमिलरली न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, इन सब का सीट्स बताई हुई कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं और कब कब इनका रिज़ल्ट निकल सकता है, रिज़ल्ट बताया जा सकता है। देर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कंडीशंस। फर्स्ट इज़ फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, legally separated, widow without encumbrances. Second condition is nationality, citizen of India. Third condition, date of birth. The candidate should be born between 1st October 1996 and 30th September 2004. Both dates are inclusive. Fourth condition is educational qualification. Candidate must have passed in the first attempt senior secondary education or 10+2 with physics, chemistry, bio, English with not less than 50% aggregate marks as a regular student. Fifth condition is physical standards. Medical fitness will be determined as per the standards applicable for commission in armed force as amended from time to time. X-ray examination of chest and USG of abdomen and pelvis will be done. Minimum height required for entry into armed forces for female candidates is 152. Gorkhas and candidates belonging to now northeastern region of India, Garhwal and Kumaon, will be accepted with minimum height of 148 centimeter. Details of medical standard can be seen in the Indian Army website. Medical standard से जुड़ी और जानकारी आपको ये website पर मिल जाएगी, Indian Army website पर। Selection process का first step है computer based test, जो कि April 2021 में होगा। 150 marks का एक exam होगा 90 minutes में, जिसमें कि 3 sections होंगे। First होगा जनरल इंग्लिश, सेकंड सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस एंड थर्ड सेक्शन में साइंस, जिसमें कि बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंक्लूड होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तीनों सेक्शंस में 50-50 होंगे और मार्क्स भी 50-50 होंगे तीनों सेक्शंस के। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड स्टेप है इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। The candidates qualified in computer-based examination will be called for interview and medical examination in the month of June 2021. Candidates declared fit and unfit in medical examination will be informed about their medical status. और ये जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। थर्ड स्टेप ऑफ सिलेक्शन इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसमें बताया गया है कि किस किस कैटेगरी के लिए सीट्स रिजर्व हैं।
SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 15 सीट्स रिजर्व हैं, NCC कैंडिडेट्स पोजेसिंग सी सर्टिफिकेट उनके लिए 25 सीट्स रिजर्व हैं। फिफ्थ इज टेस्ट सेंटर्स, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेंटर्स प्रोवाइडेड व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज इनएडिक्वेट और मोर देन द कैपेसिटी ऑफ अ सेंटर, द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द सेंटर विल बी अलॉटेड देयर सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंसेस एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। नो कॉरस्पॉन्डेंस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स मे अप्लाई एंड पे द एप्लीकेशन फी थ्रू दिस वेबसाइट विच विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम 17 February to 10 March 2021। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस इज 750 rupees। Online payment of fee can be done till 5 PM on 10 March 2021. Admit card for CBE computer based examination made available on this website by 2nd week of April 2021. No admit card will be sent by post. Important note, receipt of DU number is not the criteria for successful payment. Candidates are requested to make sure that the application fee is debited from the bank account for successful payment. Take the printout of payment receipt and read it carefully before final submission of the online application form. It is candidate's responsibility to ensure successful payment of the application fee. Admit cards will be generated only for those students who have successfully completed the payment of application fee and entered the correct DU number in the online application form. Applications sent by post will not be accepted. No correspondence request regarding refund of application fee from any candidate will be accepted. Duplicate submission of application fee will be rejected and no fee will be refunded. It is mandatory for candidate to submit one active email ID and mobile number for all future correspondence with us. Reason for rejection of online application are incomplete application submission of more than one application, non-payment of application processing fee. The correspondence address is as follows.